इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोको M6 Pro के अंदर हम जो है कॉल रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स करेंगे। ठीक है, कॉल रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स किस तरीके से हम इस फ़ोन की कर सकते हैं और क्या क्या इस फ़ोन की सेटिंग्स में कॉल रिकॉर्डिंग में हमें मिलता है, ये सब हम बात करेंगे एक एक सेटिंग्स के बारे में, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो पोको M6 Pro अगर आप लेके आते हैं तब। तो देखिए, कॉल रिकॉर्डिंग को में जाने के लिए आपको पहले डायलर में जाना पड़ेगा। ठीक है, डायलर में जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दी जाएगी सेटिंग्स, तो सेटिंग्स पर जाना है और यहाँ पर जो है आपको कॉल रिकॉर्डिंग दिख जाती है, इसे आपको खोल लेना है। एंड सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलती है कॉल रिकॉर्डिंग नोटिफिकेशन। अभी कॉल रिकॉर्डिंग नोटिफिकेशन क्या करती है कि जैसे ही आप किसी कॉल को रिकॉर्ड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको ऊपर ही दिख जाती है। तो सबसे पहले तो इसका यही सिस्टम रहता है, तो आप इसको बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी यहाँ पर मिलती है कॉल रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली। ठीक है, किसी भी कॉल आएगी तो वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, किसी की भी कॉल आती है, चाहे आपकी जो है कंपनी से आए, कहीं से भी आए, तो वो कॉल रिकॉर्ड होने लग जाएगी। अब यहाँ पर आते हैं दो ऑप्शन। ठीक है, यही इससे लिंकेड रहते हैं। लिंकेड कैसे, कि जैसे कि मान के चलिए आपने ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डर लगाया तो वो सब पर लग गया, लेकिन अगर आप सिलेक्टेड पर्सन पर लगाना चाहें उनकी लिस्ट बना सकते हैं, या फिर अननोन पर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ठीक है, या फिर डायरेक्टरी पर लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं, तो लिस्ट यहाँ से बना सकते हैं। अदरवाइज आल रिकॉर्डिंग पर लगानी है तो आप आल पर लगा सकते हैं। तो ये एक सेटिंग्स मैंने आपको बता दी है पोको M6 Pro के अंदर कि किस तरीके से करनी है। बाकी अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी अगर चैनल को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।